वेलकम बैक गाइस विद एन परफेक्ट चिल। सो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA San Andreas, एक नए मिशन, एक नई स्टोरी और नई ग्राफिक्स के साथ। सो लेट्स गो, मूड ओपन हो गया फायरिंग करके। आज भाई आज जिसने मेरे साथ चलना है। अच्छा तो गाइस यार सीन अब ये है कि मुझे बिग स्मोक यानी अपना बिग्गू भाई इसने बुलाया है स्वीट के घर पे जो कि सामने ही है। तो वैसे फैशन के लिए मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, जिसके कोई ज़रूरत नहीं है। तब मतलब फैशन समझते हो ना आप कैसा होगा, समझ रहे हो ना। अच्छा तो सीन यार ये है कि बिग स्मोक ने एक फैक्ट्री पे कब्जा किया है जिसके अंदर टोटली डुप्लीकेट पैसा प्रिंट होता है, मतलब कि जाली नोट बनाए जाते हैं जिसमें, और वो हर जगह वैलिड होते हैं, वैलिड नहीं होते, मतलब काफ़ी मशीन में तो पकड़े जा सकते हैं बट यार वो इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाते, सेम टू सेम जैसे कल मास्टर कॉपी है। तो उसी की पार्टी के लिए घर पे बुलाया, देखते हैं यार क्या करते हैं आज। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसे कहते हैं कहीं बाहर चल यार, कोई अच्छा सा पिज़्ज़ा दिखा खिला, मतलब दिखा तो नहीं यार, देख देख के तो देख तो कहीं भी सकते हैं, पोस्टर लगा होगा, लेकिन यार कोई अच्छा सा पिज़्ज़ा खिला हमें, किसी पिज़्ज़ा वाले रेस्टोरेंट पे चलते हैं। तो गाइस काफ़ी देर के बाद हमने ये सोचा है कि स्वीट के तो वैसे यार कुछ दिन से तबीयत खराब चल रही है, तो मैं बिग स्मोक और राइडर चलते हैं बिग पिज़्ज़ा शॉप पे। लेट्स गो। हाँ भाई उस फैक्ट्री के अंदर जो प्रिंट होता है, मतलब कि वो अपनी कंट्री में चलेगा, वो बाहर चलेगा जिसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। और भाई सीजे ने उसने बिग स्मोक ने बताया है कि हमें कुछ बंदों को मारना है, अगर उन्हें मार दिया ना तो ये अपनी फैक्ट्री में हिस्सा देने वाला है। सोचो यार क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। लेट्स गो। बिग स्मोक ने मुझे लोकेशन दे दी है जिस उस पर पिज़्ज़ा हट पर हमने जाना। सो गाड़ी में चलते हैं जल्दी से यार, तभी से गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग भी साथ बैठे हैं, कुछ वैल्यू होती है सी जी की भी, चाहे गधों वाली क्यों ना हो। नहीं यार इतना भी नहीं, लेकिन इसकी टैक्सी वाली है, टैक्सी ड्राइवर वाली है, जब भी यार कोई मिशन होता है, कोई भी काम होता है, सी जी को गाड़ी देते हैं, लेबल चला यार क्या ऑफिशियल ड्राइवर ही है, तुम लोग सब लोगों के हार्ट टूटे हुए हैं, तुम लोग गाड़ी नहीं चलानी आती। यार राइडर तो कह रहा है कि पिज़्ज़ा लेके वापस चलते हैं घर आएंगे, क्योंकि यार अभी प्लास गैंग वाले से फाइट हुई है, तो वो कहीं पे देख ना लेना, हमें मुफ्त में पंगा हो जाएगा। ओके डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गए हैं। तो ये यार जिस बात का ख़तरा था वही हुआ, वो ब्लास गैंग वालों ने हम पे अटैक कर दिया यार। अब ये सीधा घर जाएंगे और घर के बाहर मेरे ख्याल में अपने अहम इम्पोर्टेंट से यार जो गार्ड से वो खड़े हैं। तो गाइस मामला पता क्या है, पिछली वीडियो में जो हमने इनके बॉस को मारा था ना, इन्हें वही गुस्सा है, उसी का बदला लेना है। लेकिन यार ये क्या करेंगे, हमारे ज़्यादा हमारे नीचे वाले बंदों को मार देंगे, लेकिन नीचे वाले बंदे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लो भाई ये दोनों तो बाहर ही खड़े हैं, क्या पागल है क्या ये। वैसे यार अभी इन्हें कहने बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, उनकी गाड़ी वहाँ से निकली है, और मुझे बिल्कुल यकीन है यार, पक्का यकीन है वो यहीं पे आएंगे। तो मैं निकल के खड़ा हो गया हूँ। वैसे मुझे राइडर बुला रहा है कि वापस गाड़ी में आ जाओ, बट यार अगर गाड़ी से मारने लगा तो वो हमारे बंदों को मार सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो राइडर और सीजे को या फिर उसे नहीं मारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है यार इनको मार दिया तो वो ख़त्म है, इस शहर से ही ख़त्म है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, उनका आए तो है नहीं, वैसे आने वाले ही होंगे। वो आ गए यार, आ गए इसकी तेरी खैर, तो सही तू, एक मर गया, एक डाउन है। और गाइस ये आ गया, चलो भाई वाह क्या सीन है यार, सबको मार दिया हमने, वाह क्या सीन है। मतलब यार उनकी इतनी बड़ी गैंग में से हमें, हम जैसे एक अखंडेड गैंगस्टर को मारने के लिए सिर्फ दो बंदे आए। जो कुछ भी हो भाई यार, आज की जो पार्टी थी ना वो तो इन्होंने ख़राब कर दी। अब स्वीट भी भाई लड़ेगा, वो पहले हमसे कह रहा था कि नहीं जाओ तुम लोग बाहर, हमें को खड्डा शड्डा हो जाएगा। तो चलते हैं यार, अब ये भी यही बात कर रहे हैं सीजीओ ड्राइवर की। चलो यार जो कुछ भी हो वैसे छोड़ो, अभी चलते हैं यार इस बिग स्मोक को इसके घर पे छोड़ना पड़ेगा। वैसे इन्होंने पहले भी सारे रास्ते टैक्सी ड्राइवर तो चलो बना के रखे, कोई बात नहीं यार, बर्दाश्त होते दोस्तों के लिए, लेकिन अब फिर ये सारे रास्ते से दिमाग ख़राब करते रहते हैं, बोलता रहता है। अभी भी यार ये बोले ही जा रहा है, पता नहीं यार क्या ही बात कर रहा है। मतलब यार लेके हमें ये गया सब कुछ, इसका
करा तरह इसका था, लेकिन सारे रास्ते यार दिमाग पता है मेरा। कोई नहीं यार, इसका घर आ गया, अब ये बिग्गू उतरे और जाए। वैसे यार मुझे ना इसको दबा के रखना चाहिए था जब शुरू शुरू में मैं इसे मिला था, बस यार क्या करें, एक लापरवाही थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है भाई, बेस्ती बेस्ती करके इज्जत उतार के जा रहा है, अब ये निकला ही नहीं है। ओ भाई निकल यहाँ से, चल चल चल, शाबाश, बच्चे बात मानते हैं। और लो भाई इतने बड़े काम के सिर्फ $200, इससे ज़्यादा तो भाई मेरा क्या, इससे ज़्यादा का तो मेरा जूता है यार, क्या हो गया इन्हें। प्लास कैंग वाला एक गाड़ी लेके फिर निकल यहाँ से, इनसे तो भैया मेरे दुश्मनी है ना अच्छी खासी। और ले लो भाई, गैंगस्टर लोगों का डर ही यही होता है। सारे निकल के भाग गया, मेरी ड्राइविंग चेक करो सीधा यार, चलाते ही लग गई। अभी भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस गेम में जिम खुल चुकी है, मतलब अब जिम वगैरह करेंगे यार, मसल शल बनाएंगे। वैसे आपने देखा तो होगा सीजे भाई कार्लोस जॉनसन कितना पतला है, सूखा है भाई, एक सूखी लकड़ी की तरह खड़ा होता है भाई। भाई अभी तो चलते हैं यहाँ पे सीधा ड्रिफ्ट मार के, सीधा चलते हैं यार जिम में, बहुत ज़्यादा जल्दी है उसकी मुझे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बंदों को उड़ाता उड़ाता फटाक से पहुंच गया हूं मैं जिम में, तो देखते हैं अंदर से कैसी है ये। लग तो रहा है कुछ ठीक ही होगी। अच्छी है, बट अब सीजू को ना ये उठवा रहे हैं इसे, देखते हैं कहाँ तो क्या पता है। अभी एक हुआ है तो यार, अभी मैक्सिमम ना मैं इसे 10 तो ज़रूर करवाऊँगा भाई। क्या हो गया है, गैंगस्टर है, इतना तो होना चाहिए ना इसके साथ। 2 उठा ले, 3 थोड़ा सा 4 ये शाबाश बेटा, अच्छी तरीके से उठाओ ना यार। ये फोटोनिक का क्या है रेस्पेक्शन, इसकी ना मुझे कोई समझ नहीं आ रही, बात इतना पता है कि इतने टाइम्स उठाया है इसने तो इसका कुछ तो फ़ायदा ही होगा ना, तो 12th टाइम बस बहुत है यार, तू दिखा दिया ऐसे तो नहीं होता है। जैसे भी हो भाई हमारी गेम में ऐसे ही होता है। अगले वाले पे चलते हैं, वो देखते हैं कैसे उठाते हैं। तो अभी इसका मुझे वेट सेट करना है, तो 30 किलोग्राम, सो 30 किलोग्राम है, देखते हैं क्या हो गया, मूड नहीं है इसका। ओ मैंने गलत बटन दबा दिया, तो 30 किलोग्राम उठवाते हैं इसे। अभी तो लेट गया काफ़ी ज़्यादा सेट होके, तो ये उठा नहीं पा रहा यार इसे, क्या भाई एक तो कर ले, फेल है भाई, फेलियर यार सीजे, इसको क्या हो गया भाई, एक तो कर ले यार, थोड़ा सा एक हो गया, चलो एक तो हो गया यार, तब दो हो गया, अब करने लग गया यार। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वैसे मुझे भी ऐसे कंट्रोल नहीं करना आ रहा था, क्योंकि ये काफ़ी सारे बटन से एक्सरसाइज होती है, इतनी आसान नहीं है भाई, GTA की गेम है, तो मैक्सिमम मुझे कितने करने चाहिए, 5 बहुत है इसके लिए। अभी 3 हुए हैं, अभी चौथा नहीं हो रहा भाई इसके पास। अच्छा एंड में देखना, मैं अभी इसको मतलब वो कर दूंगा ना, यहाँ से लीव करूँगा, तो ये उठा के वो पीछे वाले स्टैंड पे रखेगा जहाँ से उठाया, और बहुत ही आराम से। अभी इसके टांगे देखो ऐसे कांप रही हैं जैसे कोई इंजेक्शन लगा रहा है इसके बाजू पे, नहीं ये देखो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। सही कहा भाई, इसके बस की बात नहीं है यार, इतनी बार मैंने इसको अलग अलग तरीके से उठवाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं उठा सका। लेकिन यार जब रखने का टाइम आया, वापस रखने का टाइम आया, फटक से कहा पता नहीं कहाँ से इसमें फ्रिक्शन आ गई, ऐसी फोर्स लग गई, इसको उठा के आराम से रख दिया इसने। तो अभी हम इसको राइडिंग वाली पे चलाते हैं, अभी ये कुछ सवाल हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार जिम में आया तो हर चीज़ के बारे में बताते हैं, उसके फंक्शन, उसके कंट्रोल्स वगैरह। तो अभी हमने कर दिया यार लेवल, पता नहीं मैंने कौन सा किया, ये भी भूल गया भाई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो ये एक्सरसाइज तो ये कर रहा है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मैंने पहले किसी के वीडियो में, यूट्यूबर की वीडियो में देखा था कि इस पर अगर ये तेज़ स्पीड पे चला दो तो इस पर से गिर जाता है ये।
बट अभी हमने इतना बड़ा लेवल नहीं किया है, अभी आराम से उतर गया। तो मैंने अभी यहाँ पे ना एक साइकिल देखी थी, साइकिल वाली एक्सरसाइज, तो देखता हूँ शायद इनविजिबल ना होगी हो। नहीं ऐसे तो नहीं होगा, इसको ना तेज स्पीड में चलाते हैं पहले, उसे छोड़ो यार साइकिल वाली बात। चलो साइकिल वाली करते हैं यार, इसी सीजे को थोड़ा मूड है साइकिल चलाने का। तो हमें इसका लेवल क्या करना चाहिए, 3, ठीक है। तो 3 लेवल पे चलाई है मैंने यार, बहुत स्पीड में चला रहा है। अभी इसमें डिस्टेंस इतना कवर हो रहा है और इतनी एक्सरसाइज नहीं हो रही इसके साथ। तो अभी वापस मैं इस पर आया हूँ, अभी तो पक्का मैं इसको नीचे गिरा के इसके टांगे तोड़ने वाला हूँ। अब देखो लेवल 10 पे चला दिया, ओहो गाया नीचे, मज़ा नहीं आया यार, मज़ा नहीं आते हैं लेवल, दोबारा फिर से करवाते हैं। तो अभी थोड़ी दूर जाना पड़ेगा इससे, फिर से इंटर और ये लेवल 10 पे लगाना है। ऊपर से आ जाता, अच्छा लेवल 6 पे है, तो लेवल 6 पे तो आराम से भाग सकते हैं, इस पे नहीं गिरेगा। अच्छा तो गाइस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई प्यारा सा कमेंट कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय।